मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा में छोटे कारोबार बड़ी मुश्किल में फंस गए। छोटे कारोबारों का हुकूमत से CEBA की आखिरी तारीख में तौसी का मुतालबा। कारोबारी हजरात का कहना है कि हुकूमती फैसला मायूस कुन है। कनाडा भर में नए साल का दिन खुद भी रीच के तैराकी के साथ मनाने की रिवायत। शहरियों ने नए साल को भरपूर जोश और जज्बे के साथ खुशामदीद कहा। शहरियों का कहना है कि नए साल को सही रास्ते पर शुरू करना थोड़ा सा चैलेंज है। कैनेडियन अपनी हिफाजत के बारे में हद से ज्यादा आरामदेह हैं। कैनेडियन ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर का कहना है कि कैनेडियन हमेशा ही निस्बतन महफूज महसूस करते हैं। आलमी सतह पर सिक्योरिटी और दिफाई सूरत हाल काफी खराब हो गई है। जापान में एक दिन में जलजले के 155 झटके, 48 अफराद हलाक। जलजले से मुतादिद इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. छोटे कारोबार जिनको कनाडा एमरजेंसी बिजनेस अकाउंट कर्ज माफी की आखिरी तारीख के बारे में सख्त फैसलों का सामना है का कहना है कि वो मायूस हैं कि हुकूमत कर्ज माफी के अहल होने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं करेगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। छोटे कारोबार जिनको कनाडा इमरजेंसी बिजनेस अकाउंट कर्ज माफी की आखिरी तारीख के बारे में सख्त फैसलों का सामना है का कहना है कि वो मायूस हैं कि हुकूमत कर्ज माफी के अहल होने की आखिरी तारीख में तौसी नहीं करेगी। उफक पर एक वबाई दौर के कर्ज की अदायगी के लिए एक बड़ी आखिरी तारीख के साथ रॉड कास्ट्रो का कहना है कि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ने का बेहतरीन तरीका मालूम करने की कोशिश करते हुए एक जिगिंग एक्ट कर रहे हैं। छोटे कारोबारी मालकान का कहना है कि उन्होंने अपने कुछ अखराजात पूरे करने के लिए कनाडा इमरजेंसी बिजनेस अकाउंट कर्ज लिया जब वो वबाई अमराज के दौरान अपने दरवाजे बंद करने पर मजबूर हुए। CEBA प्रोग्राम ने वफाकी हुकूमत के तआवुन से बिला सूद कर्जों की पेशकश की। एक कारोबार प्रोग्राम के जरिए $60,000 तक के लिए दरख्वास्त दे सकता है। कोई भी कारोबार जो 18 जनवरी तक कर्ज का बड़ा हिस्सा अदा करता है वो माफ किए गए कर्ज की $20,000 तक देख सकता है। उन्होंने कहा कि वो नए कर्ज पर ज्यादा सूद अदा करने के इम्कान के बारे में भी खुश नहीं है। कारोबारी इदारों को फिलहाल CEBA कर्जों पर सूद अदा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कर्जों पर 18 जनवरी के बाद 5% सूद जमा होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई कारोबार अपने CEBA कर्ज को दोबारा फाइनेंस करने का फैसला करता है तो उनके पास 28 मार्च तक कर्ज का कुछ हिस्सा मुआफ हो जाता है। कैनेडियन फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस का कहना है कि रीफाइनेंसिंग के बारे में कुछ उसूल अभी तक वाज़े नहीं किए गए थे। खसूसी तौसी के इर्द गिर्द बहुत सारे इंतजामी सवालात हैं जिनके जवाबात दिसंबर के शुरू तक हुकूमत के पास नहीं थे, जो कि काफी इश्तियाल अंगेज है। कनाडा भर में हजारों लोगों ने चीखते कांपते और मुस्कुराते हुए नए साल का आगाज किया जब उन्होंने 1 जनवरी को कुतबी रीच की तैराकी की रिवायत में हिस्सा लिया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में हजारों लोगों ने चीखते कांपते और मुस्कुराते हुए नए साल का आगाज किया जब उन्होंने 1 जनवरी को कुतबी रीच की तैराकी की रिवायत में हिस्सा लिया। कनाडियन नए साल के दिन को झीलों, समंदरों और दरियाओं में डूबने के साथ मना रहे हैं, जो कम से कम 1920 से जनवरी के आम हालात की वजह से ठंडे हो गए थे
और हैलीफैक्स से वैनकूवर तक के शहरों में तयशुदा तकरीबात इस रस्म को बरकरार रखने के लिए तैयार थीं। कैनेडियन शहरियों का कहना है कि हम हमेशा इस साहिल पर होते हैं, लेकिन यह पहला मौका है जब तैराकी ज्यादा ठंडी तरफ है। नए साल को सही रास्ते पर शुरू करना थोड़ा सा चैलेंज है। यह हौसला अफजा है, ऐसा लगता है जैसे आपके तमाम एसाबी सरे झिंझोड़ना शुरू हो जाएं। उन्होंने कहा, लोगों से बात करना और एक दूसरे को नए साल पर कुछ नया करने की तरकीब देना अच्छा लगता है। ओकविल ऑनटेरियो टोरंटो के बिल्कुल मगरब में वाक़ एक शहर में गैर मौसमी तौर पर मुतदिल हालात के दिनों के बाद जीरो दर्जा हरारत की वापसी तकरीबन 850 लोगों के लिए कोई रुकावट साबित नहीं हुई जिन्होंने कॉरोनेशन पार्क में छलांग लगाने में हिस्सा लिया। ऑनटेरियो झील में तैराकी का मकसद खैराती इदारे वर्ल्ड विजन कनाडा के लिए रकम इकट्ठा करना था। कैनेडियन ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर की हैसियत से वाइस एडमिरल बॉब ऑचरलोनी ने एक गैर मामूली साल गुजारा है। उनका कहना है कि आलमी सतह पर सिक्योरिटी और दिफाई सूरत हाल काफी खराब हो गई है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन ज्वाइंट ऑपरेशंस कमांड के कमांडर की हैसियत से वाइस एडमिरल बॉब ऑचरलोनी ने एक गैर मामूली साल गुजारा है जिसमें सोरान और इसराइल से कैनेडियनों के हवाई जहाजों के जरिए मुंतकली लबनान और हैटी से मुमकिन इनखिला की मनसूबा बंदी करना और घर में मदद के लिए बढ़ते हुए मुतालबात का इंतजाम करना शामिल है। अगले बहरान के लिए तैयार रहना बॉब ऑचरलोनी का काम है, चाहे वो जंगल की आग हो, सैलाब हो, समंदरी तूफान हो या किसी और बर्रे आजम में जंग हो। 2024 को आगे देखते हुए ऑचरलोनी ने कहा कि उनके ख्याल में दबाव बढ़ता रहेगा और कैनेडियन अपनी हिफाजत के बारे में हद से ज्यादा आरामदेह हैं क्योंकि दुनिया बदल रही है। एक हालिया साल के आखिर में इंटरव्यू में उसने बैनुल अक्वामी मसाइल की एक फहरिस्त को झिझोड़ दिया जिन पर वो गहरी नजर रखे हुए हैं। यूक्रेन पर जारी रूसी हमले और हमास के खिलाफ इसराइल की जंग, अफ्रीकी ममालिक में हालिया बगावतों, बलकान में तस्सादुम तक और वेंजुएला जैसे जुनूबी अमरीकी ममालिक में चैलेंजेस जो बड़े पैमाने पर नकल मकानी को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम इसके बीच में हैं और मुझे यकीन नहीं है कि हर कोई ये समझता है कि आलमी सतह पर सिक्योरिटी और दिफाई सूरत हाल काफी खराब हो गई है। ऑचरलोनी ने कहा कि कैनेडियन हमेशा ही निस्बतन महफूज महसूस करते हैं क्योंकि हम तीन समंदरों और रियासत हाय मुतहदा से घिरे हुए हैं, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस बात से आगाह रहें कि क्या हो सकता है और वो पुर उम्मीद नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ कि कैनेडियन खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं। जापान में जलजले के 155 झटकों के नतीजे में 48 अफराद हलाक हो गए। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जापान में जलजले के 155 झटकों के नतीजे में 48 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीर को जापान के वस्ती इलाके में 7.5 शिद्दत के जलजले से मुतादिद इमारतें गिर गईं और होनशु के इलाके इशिकावा की बंदरगाह में आग भड़क उठी। जलजले के बाईस साहिली इलाकों में 1 मीटर से ज्यादा सुनामी की लहरें बुलंद हुई। जलजले से मुतासरा इलाकों में 155 झटके महसूस किए गए। जलजले से 48 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। वसी इलाके में बिजली और मवासलात का निजाम तबाह होने से लाखों सार्फीन को बिजली मुनक़ता हो गई और मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल हो गई। जापान के वजीर आजम फोमियो किशिदा ने बयान में कहा कि जलजले से बड़े पैमाने पर हलाकतें और नुकसान हुआ है। मलबे तले अफराद को जिंदा निकालने के लिए रेस्क्यू वर्कर्स के पास वक्त कम है। हुकाम ने हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।